मल्टीडू फन के चॉकलेट चैलेंज में चॉकलेट से बेहतर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहे। आओ देखते हैं इस राउंड में ढक्कन के नीचे कौन सा स्वादिष्ट खाना छिपा है। क्या कैक्टस? लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? अजीब। और मेरे पास क्या है? मेरा भी कैक्टस अजीब है। क्या हमें वाकई उन्हें खाना है? ये बहुत कांटेदार है। मुझे तो पता भी नहीं है। मुझे लगता है कि पहले ये जांचना होगा कि उनकी सुइयां कितनी कांटेदार है। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है। अजीब है, ये बिल्कुल नहीं चुभता है। ये चॉकलेट है। जैक, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे कांटेदार कैक्टस के साथ उलझना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे एक चॉकलेट मिली है और ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती हैं। अगर तुम्हारा कैक्टस चॉकलेट से बना है तो मेरा भी ऐसा ही होगा। तुमने मेरे मन में उम्मीद जगा दिया है। आखिरकार मैं कुछ स्वादिष्ट खाऊंगा। आओ। क्या हुआ जैक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक लाल क्यों है? ये सब उस बेवकूफ कैक्टस की वजह से है। मेरी सहायता करो। हाँ, ये हर जगह है। नाक पर काटे, जीभ पर काटे, हर जगह काटे। बेचारा जैक। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन अब यह काफी बेहतर है, तुम्हारी वजह से। धन्यवाद। लेकिन मैं वैसे भी इस कैक्टस से निपट लूंगा और कोई काटा मेरे लिए बाधा नहीं बनेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ उड़ाया जा सकता है और सही आकार का एक टुकड़ा हमेशा एक अच्छी पुरानी कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। मुझ पर नहीं। वाह, क्या निशाना है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जैक। धन्यवाद। लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है। अब ये चीज खाने की जरूरत है। कितना घिनौना है। चलो जैक, करो। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कर सकते हो। जैक एक चैंपियन है। जैक चैंपियन है। चलो बस थोड़ा सा बचा है, सच मुझे एक दो बाइट। हुर्रे, तुमने कर लिया। ये उस तस्वीर में कैक्टस है। मैं एक और कैक्टस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, ऐसा लगता है कि जैक को मेरा झंडा पसंद नहीं आया। चलो देखिए कि हमें क्या ट्रीट्स मिले हैं। अरे वाह, ये चॉकलेट आइसक्रीम है, स्वादिष्ट। Okay, here we go. लेकिन मेरे पास साधारण मकई है। मुझे उम्मीद है कि ये चॉकलेट के साथ ज्यादा स्वादिष्ट होगा। लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अभी भी मकई से ज्यादा स्वादिष्ट है। बेशक, लेकिन सुजीत, तुम आज इस आइसक्रीम को सूंघ सकती हो। मुझे लगता है कि अगर चॉकलेट आइसक्रीम में थोड़ी और चॉकलेट मिला दे तो ये दुगनी स्वादिष्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बिल्कुल खुश रहूंगी। ठीक है, और बहुत सारी चॉकलेट आइसक्रीम जैसी कोई चीज नहीं होती है। काश मैं एक ही बार में सब कुछ खा पाती। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं सच में इसका मजा लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ऐ माँ, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? किसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत है? मैं इस आइसक्रीम के हर बाइट का मजा ले रही हूँ। हालांकि कमरा ठंडा हो गया है, या यह सिर्फ मुझे लग रहा है? क्या मुझे खिड़की बंद करनी चाहिए? वाह, यह स्वाद तो बस। एमा पूरी तरह जम गई है। और मैंने तुमसे कहा था कि आइसक्रीम के साथ मजाक मत करो, ये बहुत खतरनाक है। लगता है कि बची हुई आइसक्रीम अब मेरी है। यह अच्छा है। लो, मैं फिर आ गई, तो यह फिर से मेरा है। यह मत सोचो कि तुम मुझसे इतनी स्वादिष्ट चीज चुरा सकती हो। मैं इसे कभी नहीं दूंगी। बेहतर होगा कि जल्दी अपने बेस्वाद मकई के खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुरंत बेस्वाद क्यों हो गया? शायद चॉकलेट फाउंटेन इसे कुछ खास में बदल देगा। मुझे पता है कि चॉकलेट आमतौर पर बहुत कुछ करने में सक्षम होती है। तो कैसा है, क्या इसे मदद मिली? नहीं, यह भयानक है।
मकई खाने के बारे में आखिर किसने सोचा था? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मकई से बहुत ही स्वादिष्ट चीज बनती है। आमतौर पर वे इसे सिनेमा में खरीदते हैं। लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बेशक, क्योंकि मैं अभी साधारण मकई के दानों को असली पॉपकॉर्न में बदलने जा रही हूँ। मैं इसे एक असली वेल्डिंग मशीन के साथ करूँगी। अच्छा है कि पापा ने मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाया। ओह, यह अच्छा दिख रहा है। लगभग तैयार? हाँ, पूरा तैयार। देखो कितना सुंदर है। अब पॉपकॉर्न को केवल बकेट में डालना ही बचा हुआ है, इसलिए यह खाने के लिए और अधिक दिलचस्प होगा। मुझे पहले से ही अंदाजा हो रहा है कि कितना स्वादिष्ट होगा जब मैं इसे चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाऊंगी। जरा सोचो यह कैसा होगा। मुझे तो सोच कर भी स्वादिष्ट लग रहा है। यह खाने का समय है। मैं कब से कुछ स्वादिष्ट खाना चाह रही थी। पॉपकॉर्न मेरी सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। तुम्हारे पास इतने सारे पॉपकॉर्न हैं, शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगी? नहीं, मैं इसे खुद खाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे यह पॉपकॉर्न तुमसे जबरदस्ती लेना होगा। यह मुझे दो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। तुमने क्या किया? अब सारा पॉपकॉर्न टेबल पर होगा, लेकिन बाल्टी वही गिरी जहाँ उसे होनी चाहिए। और मेरे पास इतना स्वादिष्ट पॉपकॉर्न है और मुझे टेबल से खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैक रुको, चलो रॉक पेपर सीजर से पता करें कि सबसे पहले ढक्कन कौन खोलेगा। रॉक पेपर सीजर शूट, हुर्रे, मैं जीती। तो पहले मैं पता लगाऊंगी कि यहाँ क्या स्वादिष्ट छिपा है। अरे वाह, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों, लगभग उपयोगी भी। वाह, मुझे भी वो चाहिए। बेशक, मैंने केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुगंधित भी है। मैं बस जल्द से जल्द सभी बेरीज को अपने मुंह में भरना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं असली जगलिंग मास्टर क्लास दिखाऊंगी। जगलिंग? बहुत मजेदार मास्टर क्लास। तुम्हारा पूरा चेहरा मस्त दिख रहा है। पता नहीं मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलने वाली है। अरे वाह, असली स्ट्रॉबेरी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जगलिंग की जाती है। अनारी, मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ जगलिंग नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बेरी स्वादिष्ट है। हाँ, गर्मी का स्वाद। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे आइडिया के कारण मैं क्यों भुगतूं? यह कचरा फेंकना बंद करो, बस करो। यह मजाक नहीं है। मेरे बालों में ये स्ट्रॉबेरी टेल्स फंस गई हैं। जैक, इसे रोको। तुम किस लिए चिल्ला रही हो? मेरा हो गया। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाऊंगा। मिल्क शेक? मुझे भी चाहिए। सही बात है, मिल्क शेक सबसे स्वादिष्ट दूध के साथ। हाथ से बने मिल्क शेक से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता है। पर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें खाना बनाने में माहिर होना चाहिए। यह वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। और इसके लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन होगा, व्हिप्ड क्रीम। बिना व्हिप्ड क्रीम के कैसा मिल्क शेक? तड़ाम! ऑसम! देखो कितना खूबसूरत है। मैं भी इसे पीना चाहती हूँ। जी नहीं, ये मेरा मिल्क शेक है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। लालची, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है कि तुम्हें कैसे सबक सिखाया जाए। तुम्हारी क्रीम इसमें मेरी मदद करेगी। अब जो होगा इसके लिए तुम तैयार हो जाओ जैक। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। जब तक तुम ठीक हो रहे हो, मैं जल्दी से तुम्हारा मिल्क शेक पी लेती हूँ। तुम क्या कर रही हो? रुको, यह मेरा है। मैं क्या पीऊंगा? उफ, ओह, अब मुझे बस अपने चेहरे से क्रीम चाटनी है। यह सही नहीं है।
शायद ये सही नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं अपने स्वादिष्ट खाना का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हूँ, चॉकलेट बेरी। जैक, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं उन्हें कैसे फेंकती हूँ और पकड़ती हूँ? आसान। अच्छा हुआ कि तुम इसे मेरे साथ शेयर करो। मुझे क्यों शेयर करना चाहिए? यह बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको, मेरी बेरी कहाँ है? वो अभी मेरे ऊपर थी। What the? मैंने कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे चेहरे पर के चॉकलेट तो कुछ और ही बता रहे हैं। चलो देखें कि तीखे सॉस के साथ तुम्हें बेरी कैसा लगता है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। पकड़ लिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। तो कैसा है, स्वादिष्ट बेरी? हाँ, कुछ खास नहीं। आउच, कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरों की ट्रीट चुराने का परिणाम क्या होता है। आग बहुत तेज हो गई है, इसे बुझाने का समय आ गया है। जैक, तुम जिंदा तो हो ना? हाँ, लेकिन वो बहुत तीखा था। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट और सुंदर कपकेक है। मैं भी बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे बर्गर मिला है। इतना बड़ा, मुझे नहीं पता कि चॉकलेट डालने के बाद ये कितना स्वादिष्ट होगा। पर मुझे लगता है कि अगर स्वादिष्ट बर्गर और स्वादिष्ट चॉकलेट को आपस में मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत स्वाद मिलेगा। चलो देखते हैं। काफी घिनौना लग रहा है। हाँ, ये बेकार है। छी, अलग अलग दोनों बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है बर्गर को दूसरी तरफ से काटना चाहिए। रुको, ये नियमों के खिलाफ है। तुम्हें इसे चॉकलेट के साथ खाना चाहिए। बोरिंग, इतना स्वादिष्ट खाना क्यों खराब करना? मैं इसके बजाय एक बर्गर और एक चॉकलेट अलग से लेना पसंद करूंगी। लेकिन अगर जरूरी है तो फिर। छी, क्या झंझट है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बर्गर और चॉकलेट को लेकर खुश नहीं होऊंगी। तुम नहीं जानते कि अभी तुम्हारा चेहरा कितना अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने सब कुछ निपटा दिया और मेरे पास एक बहुत ही चालाक योजना भी है। लेकिन कोई भी चॉकलेट स्वादिष्ट कपकेक को खराब नहीं करेगी, बल्कि उसे और अच्छा बनाएगी। देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैं केवल उन्हें खाऊंगी। ये चालाक योजना को अंजाम देने का समय है। अगर सुजी ने फैसला किया कि वो मुझसे ज्यादा अच्छी है तो यह निश्चित रूप से इसके लिए भुगतान करेगी। चॉकलेट में थोड़ा सा केचप नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कितना स्वादिष्ट है। काश तुम समझ पाते कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट कपकेक नहीं खाए हैं। ओह, क्या हुआ? केचप का स्वाद कपकेक पर अचानक से क्यों आने लगा? क्योंकि यह केचप प्रैंक है। मुझे लगता है यह बहुत मजेदार है। तुम्हें पता है कि वास्तव में क्या मजेदार है? अपना चेहरा देखना जब उस पर बहुत सारे केचप हो। यह लो। यह क्या किया? तुम बिना मतलब के ये सब कर रही हो। अब मैं तुम्हें केचप दिखाती हूँ। बस बहुत हुआ, प्लीज इसे रोको, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एमा, तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मेरे पास भी चॉकलेट है। तो तुमने मुझे गंदा करने का फैसला किया है? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? अब यह तुम लो। अच्छा, तो यह बात है, अब तुम यह लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम। मैं थक गई हूँ, चलो दोस्ती करते हैं। मल्टीडू फन पर आपको हमेशा और भी अच्छी चुनौतियाँ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें।